Hello students, this is Harvi Chaudhary, your English class teacher. I most welcome you in online classes. So in today, we are going to start first chapter of Hornbill, The Portrait of Lady. The Portrait of Lady. As the name indicates, portrait means a picture of a lady. Isme ek lady ke picture ki baat ki gayi hai. The narrator of this chapter is Khushwant Singh. Kaun hai iska narrator? Khushwant Singh hai. Before starting this chapter, I would like to tell you some basic concept of this chapter so that you could able to understand easily. इसमें दो characters हैं, grandmother and narrator. Narrator वही जो अपने बारे में कहानी के बारे में बताया गया है. तो होते हैं क्या होते हैं कि दोनों एक ये parents जो इस narrator के parents होते हैं वो city चले जाते हैं और इस narrator को अपनी दादी माँ के यहाँ छोड़ देते हैं गांव में. तो क्या होता है कि दादी माँ और इनका एक अच्छा रिलेशन हो जाता है. दादी माँ डेली उनको सुबह उठाती थी और स्कूल ले जाती थी. लेकिन क्या होता है धीरे धीरे ये लोग कुछ समय बाद कुछ सालों बाद शहर में बुला लिए जाते हैं और नैरेटर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगता है. दादी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उस वक्त जो किताबें पढ़ाई जाती थी दादी माँ के समय वो रिलीजियस टाइप बुक्स थी. लेकिन अब इंग्लिश साइंस म्यूजिक वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करती थी. यहां तक तो सब ठीक था. लेकिन उसके बाद क्या होता है कुछ समय बाद वो ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है. तो फिर दादी के साथ जो अल्टीमेट रिलेशन था वो बिल्कुल टूट जाता है. क्या होता है कि जब आफ्टर 5 ईयर्स वो वापस आता है तो दादी माँ की एज कितनी हो गई होती क्या उनका अपीयरेंस होता है इसके बारे में बताया गया. द नैरेटर एंड द ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. दादी माँ के पास इनके पेरेंट्स इनको छोड़ के चले गए थे जब वो शहर चले गए थे. सी वॉक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल. दादी माँ इनको सुबह जल्दी जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. सी वेंट टू स्कूल विद हिम एंड गेट वाज अटैच्ड टू टेम्पो. इट वाज अटैच्ड टू टेम्पो. क्या होता था कि दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने जाती थी और स्कूल से ही बगल में एक टेम्पल था